जोश, जज्बा और जुनून, ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के स्तंभ हैं। हम भारतीय सेना को कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्म भूमि की रक्षा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं हमारे जीवन कहीं ना कहीं हमारे देश के काम आए। तो इसका सबसे सुनहरा अवसर होती है भारतीय फौज। बात करें भारतीय फौज में जाने की उत्साह के बारे में, तो हर साल लाखों लोग इसका सपना देखते हैं और इनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। आज हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स किस तरह से भारतीय फौज को ज्वाइन करें, ऐसे ही एक वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है जनरल ड्यूटी वुमेन सोल्जर इंडियन आर्मी पुलिस रिक्रूटमेंट। अगर इस एग्जाम की बात करें तो इसमें हर साल आपकी वैकेंसी 100 आती है। इसमें जा करके आप वुमेन मिलिट्री पुलिस को आर्मी में ज्वाइन कर सकती हैं और ये वैकेंसी केवल गर्ल्स के लिए है। बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो आपको एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं देनी है। फीस एग्जेम्प्टेड होती है, 0 रुपीज आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस है। सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप 10th पास होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड के, रिकॉग्नाइज बोर्ड की, इंडिया से किसी बोर्ड से आप पास हैं, आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होने चाहिए और 33% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। कहने का मतलब आप जस्ट पास हैं तो आप इस एग्जाम में बैठ सकती हैं। बात करें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप सिक्किम गोरखा से हैं तो आपको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपकी हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात करें तो वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होती है, जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट चेक किया जाता है। एज की बात करें तो एज लिमिट आपकी 17.5 साल से लेकर के 17.5 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 21 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। आपको सबसे पहले जा करके इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद आर्मी कैंडिडेट्स को परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करती है और ईमेल के माध्यम से, आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए भेजे जाते हैं। बात करें फिजिकल की, तो इसकी फिजिकल बहुत अच्छी है। फिजिकल आपकी इसमें रनिंग में आपको 1600 मीटर 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 7.5 मिनट्स में। अगर आप इसको 7.5 मिनट्स में पूरा करती हैं तो आप ग्रुप ए में जाएंगी, और अगर आप 8 मिनट लेती हैं इसको पूरा करने में तो आपको ग्रुप बी में भेजा जाएगा। इसके बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी कम से कम 10 फीट होनी चाहिए, हाई जंप आपकी 3 फीट होनी चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और आर्मी अपने हिसाब से मेडिकल कराती है अपने बेसिस पर। इसके लिए आप जा करके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर www.joinindianarmy.nic.in पर जा करके आप फिजिकल एलिजिबिलिटी को आर्मी के देख सकती हैं, क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी आपसे मांगी जाती है। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि आपको 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होते हैं। बात करें जीके, जीएस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग। जीके के 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। बात करें इन पेपर की, तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें कि पास मार्क्स आपका फिक्स होता है 35, लेकिन अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पर मेरिट का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके जितने अच्छे परसेंटेज 10th में रहेंगे उतना ज्यादा आपका एडमिट कार्ड आने का चांस होगा, और साथ ही साथ अगर आप जितना अच्छा रिटन एग्जामिनेशन में करती हैं तो उतना टॉप पर आप रहेंगी, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ वेटेज भी मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेटेज की बात करें तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे वेटेज में। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जाम ही नहीं देना है। यहाँ पर बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। अगर आप इस एग्जाम को दे रही हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ अपने पेपर को कंप्लीट करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस एग्जाम में। और अगर आप एक्स सर्विसमैन की डॉटर हैं या विडोवर हैं तो आपको 20 मार्क्स का वेटेज रिटन एग्जामिनेशन में मिलता है। तो ये 3 स्टेजेस थे, आपको सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको मेरिट का इंतजार करना होगा, अपने रिजल्ट का इंतजार करना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर www.joinindianarmy.nic.in पर आप जाएंगी और अपने मेरिट लिस्ट को देखेंगी। अगर आपका नाम उस लिस्ट में आता है तो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करें और सेवा परमो धर्म के साथ सेना को और देश सेवा करें और देश के सुरक्षा में भागीदारी बने। तो उम्मीद है
21 वैकेंसी का सेना में जाने के लिए सबसे कम योग्यता पर महिलाओं के लिए यही स्थान है। यहाँ पर अगर आप जाती हैं तो बिल्कुल एज ए नॉन कमीशन्ड ऑफिसर आप सोल्जर ड्यूटी में जीडी में आप ज्वाइन कर सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।